नमस्कार। एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रोगलीज इक्वेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगलीज इक्वेशन एंड डेविसन एंड जर्मर का प्रयोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रोगलीज इक्वेशन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रोगलीज इक्वेशन इज इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो डी ब्रोगली इक्वेशन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वह है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, इन वन ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर इट वॉज सेड दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2π। यानी कि जो बोर का एक पोस्टुलेट, बोर ने कई पोस्टुलेट दिए थे, उनमें से एक जो पोस्टुलेट था वह यह कहता था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन 2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। देयर वॉज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस इन बोर्स थ्योरी। तो बोर ने जो ये पोस्टुलेट दिया था उसका बोर थ्योरी के आधार पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि ये किस प्रकार से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2π होता है। बट विद डी ब्रोगलीज इक्वेशन इट कैन बी ईजिली एक्सप्लेन। लेकिन डी ब्रोगली इक्वेशन के द्वारा ये आसानी से समझाया जा सकता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वह एच अपॉन 2π का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्लियर। सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, द प्रोबेबल मैटर वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग 2 वेज। सपोज करो कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि सर्कुलर पाथ में, वर्ताकार पाथ में मूव कर रहा है। क्लियर। जो और उससे जो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो मैटर वेव है उसको हम दो प्रकार से दिखा सकते हैं। एक तो कंटिन्यूस वेव इन फेज और एक होता है डिसकंटिन्यूस। क्लियर। अब एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्ष में तभी गतिमान रह सकता है जब कक्ष में 1, 2, 3 आदि पूर्ण संख्या में वेव हो, क्योंकि पूर्ण संख्या में होने पर ही पथ की पुनरावृत्ति होती है। नहीं तो तरंगे आपस में हस्तक्षेप करके एक दूसरे को क्या कर देती है, नष्ट, जैसे ये डिसकंटिन्यूस पाथ में। क्लियर। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव फिगर ए वेव कैन बी कंटिन्यूस ओनली इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स वेव लेंथ। क्लियर। तो के जो डायग्राम है उसके आधार पर जो यह क्लियरली इंडिकेट होता है कि जो कंटिन्यूस वेव इन फेज है, ये वाली, तो जो साइकिल का सर्कमफेरेंस है, वर्त की जो परिधि है वह वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल होती है। तो 2πr = n λ। यानी किसी अग्रगामी तरंग के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2πr = n λ। और लेमडा की वैल्यू हम पहले पढ़ चुके हैं डी ब्रोगली इक्वेशन में कि λ = h/mv। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू जब हम रखेंगे इस इक्वेशन में तो 2πr = nh/mv। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो mvr = nh/2π। ये mv इधर जाएगा और 2π नीचे आ जाए, तो mvr = nh/2π। और ये एंड दिस इज द बोर पोस्टुलेट, और बोर ने यही कहा था कि mvr = क्या होता है, nh/2π। तो डी ब्रोगली इक्वेशन के आधार पर हम जो बोर का ये पोस्टुलेट था उसको हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगलीज इक्वेशन। फॉर द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगलीज इक्वेशन वी हैव टू ड्रा सम कंक्लूजन हूज वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। क्लियर। तो जो डी ब्रोगली इक्वेशन का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए हम कुछ कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं जिसको हम जिनकी वैल्यू हम आसानी से प्रयोगों के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। सपोज वी एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई विद ए पोटेंशियल ऑफ वी, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू ev। एंड वी ऑल्सो नो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल इज इक्वल टू 1/2 mv², वेयर m इज इट्स मास एंड v इज इट्स वेलोसिटी। क्लियर। यदि इलेक्ट्रॉन जिस पर ई कूलम आवेश है को हम वी वोल्ट यानी वी विभव से त्वरित करें, पोटेंशियल वी से यानी विभव से त्वरित करें
तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वह ईवी के बराबर होगी, क्लियर। और हम जानते हैं कि जो किसी मूविंग पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² के बराबर होती है, जहाँ पर m क्या है, उसका द्रव्यमान है, मास है, और v क्या है, वेलोसिटी, गति, इलेक्ट्रॉन का वेग। तो 1/2 mv² बराबर ई वी, क्लियर। यहाँ से वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 ev/m, क्यों, इसको जब आप सॉल्व करोगे तब वी स्क्वायर यहाँ, ठीक है, 1/2 m ये इधर आएगा, तो वी स्क्वायर बराबर 2 ev/m, और वी यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको v बराबर करेंगे तो इधर क्या कर देंगे अपन, रूट, तो 2 ev/m का रूट। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 6 वी गेट, अब लेमडा इक्वल टू h/mv होता है, तो उस इक्वेशन में लेमडा बराबर h/mv, ये डी ब्रोगली इक्वेशन थी। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में v का मान यहाँ से जब इक्वेशन 9 से हम पुट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है लेमडा बराबर h/m इंटू 1/√2 ev/m। लेमडा बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, h/2 ev/m का रूट, क्लियर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल द कॉन्स्टेंट्स इन इक्वेशन 10 वी गेट, अब जो इक्वेशन 10 है लेमडा बराबर, इस इक्वेशन में लेमडा बराबर h/2 ev/m का रूट, उसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो h की वैल्यू प्लांक कॉन्स्टेंट है तो इसकी वैल्यू 36.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, वी वोल्ट है, और मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना, 9.109 × 10⁻³³ किलोग्राम। इसको जब सॉल्व करते हैं रखने के बाद तो लेमडा आती है, लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, 12.26 × 10⁻¹⁰⁰ √vm। तो वेयर जूल बराबर किलोग्राम, मीटर स्क्वायर सेकेंड इन स्क्वायर, कूलम बराबर एज, कूलम कूलम है, वोल्ट किलोग्राम, मीटर स्क्वायर सेकंड, माइनस क्यूब, इनवर्सल ए माइनस वन। तो इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑसिलेट विद पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट, अगर इलेक्ट्रॉन को हम 100 वोल्ट से विवर्स से त्वरित करें तो लेमडा बराबर, यहाँ पर वी की वैल्यू 100 रख दो तो आप लेमडा बराबर जाएगी 1.226 angstrom, क्लियर। तो इफ़ द वोल्टेज इज वेरीड फ्रॉम 10 volt टू 10,000 volt, देन द वेव लेंथ विल बी वेराइड फ्रॉम 3.877 angstrom टू 0.1226 angstrom, एंड वी नो दैट द वेव लेंथ ऑफ एक्स रे इज ऑफ दिस ऑर्डर, क्लियर। अगर हम वोल्टेज को 10 volt से लेकर 10,000 volt तक वेरी करें तो जो वेव लेंथ प्राप्त होती है वो होती है 3.877 angstrom से 0.1226 angstrom, जो कि एक्स रे रीजन में आती है, जो एक्सरे रीजन का जो ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग होती है। तो वी आल्सो नो दैट ए क्रिस्टलाइन सॉलिड एक्ट एज ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग फॉर एक्सरे, और हम जानते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वह एक्सरे में एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह कार्य करता है। सो इफ द डी ब्रोगली प्रिंसिपल अबाउट द डुअल नेचर इज करेक्ट, देन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड शुड आल्सो एक्ट एज ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग फॉर ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अगर डी ब्रोगली का प्रिंसिपल, जो कि एक डी ब्रोगली प्रिंसिपल है ड्यूअल नेचर, इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर को जो शो करता है, अगर वो सही है तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड भी इलेक्ट्रॉन की बीम के लिए क्या करना चाहिए, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह कार्य करना चाहिए। तो मेकिंग दिस फैक्ट एज ए बेस, डेविसन एंड जर्मर गिव मेथड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए डेविसन एंड जर्मर ने एक मेथड दिया था जो कि डी ब्रोगली इक्वेशन का, डी ब्रोगली थ्योरी का वेरिफिकेशन करता है, क्लियर। डेविसन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट, डेविसन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट वेरीफाइज डी ब्रोगली इक्वेशन वेरी सक्सेसफुली। डेविसन और जर्मर ने जो डी ब्रोगली इक्वेशन है उसको सफलतापूर्वक सत्यापित किया, उसको वेरीफाई किया। इट्स सिंपल डायग्राम इज शोन इन फिगर 1.2। तो डेविसन एंड जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट था उसका जो सिंपल डायग्राम है वो आप फिगर 1.2 में देख सकते हैं। इन दिस इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम हॉट वायर आर पास्ड थ्रू द स्लिट एंड थस ए नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑब्टेन, ठीक है।
तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हॉट वायर से, यहाँ से जो हॉट वायर है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, जो कि एक स्लिट के से गुजरते हैं और इस निकल प्लेट से टकराते हैं। ठीक है, यहाँ से हॉट वायर से इलेक्ट्रॉन निकलने वाले स्लिट से गुजरते हैं तो नैरो बीम हमें प्राप्त होती है जो कि इस निकल क्रिस्टल से टकराते हैं। दिस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एक्सेलरेटेड बाय प्लेट्स चार्ज अप टू 40 to 68 volts। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उनको 40 से 68 volt के विभव के द्वारा जब त्वरित किया जाता है, ठीक है, त्वरित करने के पश्चात किया जाता है, उसके पश्चात इन्हें निकल प्लेट से ये टकराते हैं। वैन द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉल ऑन निकल क्रिस्टल देन दे आर डिफ्रेक्टेड लाइक एक्सरे इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज ऑफ एक्सरे। ठीक है, तो निकल क्रिस्टल से जब ये टकराते हैं तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जैसे एक्सरे होती है तो उसी हिसाब से उसी प्रकार से ये विवर्तित होते हैं, डिफ्रेक्टेड होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो वेव एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है उसकी रेंज में एक्सरे की रेंज में ही होती है। द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन थीटा कैन बी डिटेक्टेड इन सेंसिटिव गैलिनोमीटर विच कैन बी मूव अलोंग ए साइकिल स्केल। जो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन है थीटा उसको सेंसिटिव गैलिनोमीटर, ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला, इसके द्वारा डिटरमाइन डिटेक्ट कर सकते हैं। विच कैन बी मूव अलोंग ए साइकिल सर्कुलर स्केल, जो कि सर्कुलर स्केल के अलोंग मूव कर सकता है। द निकल क्रिस्टल इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। द पोजिशन ऑफ क्रिस्टल कैन बी एडजस्टेड बाई मीन्स ऑफ बैंड। क्लियर, जो क्रिस्टल की जो पोजिशन है वह बैंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट की जा सकती है। द इलेक्ट्रॉन्स बीम इज अलाउड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम द क्रिस्टल सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको क्रिस्टल सरफेस के डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट के लिए अपन अलाउ कर सकते हैं, अलाउ किया जा सकता है। क्लियर, द डिफ्लेक्शन पैटर्न ऑब्टेन इन सच ए मैनर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट इज शोन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन निकल प्लेट से टकराने के बाद जिस प्रकार से डिफ्रेक्ट होते हैं, विवर्तित होते हैं, वो सेम पैटर्न एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न की तरह ही होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रैक्शन पैटर्न इस प्रकार से प्राप्त होता है एक्सपेरिमेंट से, और जो एक्सरे का डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है वो इस प्रकार से होता है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो निकल प्लेट से जो टकराने के बाद जब विवर्तित होते हैं विभिन्न एंगल्स पर, तो वो उसी प्रकार विवर्तित होते हैं जिस प्रकार से एक्सरे होती है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे एसोसिएटेड जो मैटर वेव्स होती हैं उसकी वेवलेंथ एक्सरे रीजन की में ही होती है। ठीक है, जो एक्सरे रीजन की वेवलेंथ होती है उसी प्रकार से उसकी उसी रीजन में इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेवलेंथ की वेव्स की वेवलेंथ होती है। द डिफ्रेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इन अ सिमिलर वे टू दोज ऑफ एक्सरे शोज दैट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो वेव लाइक एज आर एक्सरे। इन डेविनसन एंड जर्मस एक्सपेरिमेंट इट वॉज ऑब्जर्व दैट वेन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट बाई 54 volts इज डिफ्रेक्टेड एट 50 degree एंगल देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इज मैक्सिमम। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन 54 volts से त्वरित किए गए तो इलेक्ट्रॉन तरंग का विवर्तन 50 degree होता है तथा तीव्रता सर्वाधिक होती है। ठीक है, इन दिस स्टेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा कम्स आउट टू बी 1.668 angstrom विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ एक्सरे एंड हेंस बेक्स इक्वेशन विच वाज डिराइव फॉर एक्सरे डिफ्रेक्शन कैन बी अप्लाई टू इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रेक्शन आल्सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। क्लियर, तो इस इक्वेशन में जो लैम्डा है वो 1.668 angstrom यहाँ पर इसको इस प्रकार लिखो एंगस्ट्रॉम विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ एक्सरे। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको 54 degree volt से जो त्वरित करते हैं 50 degree एंगल का जो विवर्तन आता है जहाँ पर वेव की जो इंटेंसिटी और मैक्सिमम होती है वहाँ पर जो लैम्डा कैलकुलेट करते हैं तो लैम्डा का मान 1.66 angstrom आता है जो कि एक्सरे के सिमिलर ही होता है। तो जो ब्रेक इक्वेशन होती है एक्सरे के लिए जो डिराइव करते हैं हम
वो होती हैं लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। तो यह वेव इक्वेशन हम इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रैक्शन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो सिमिलर होता है। वेयर एन एन इंटीजर, यहाँ पर एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा में एन क्या है, एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1, 2, 3 etc होती है। लेमडा वेव लेंथ होती है एट मैक्सिमम इंटेंसिटी, एंड डी बराबर डिस्टेंस बिटवीन वेरियस फेजेस ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। एंड थीटा बराबर एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन और ग्रेजिंग एंगल। तो विद दिस एक्सपेरिमेंट वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव कैन बी डिटरमाइंड। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन बीम की, इलेक्ट्रॉन वेव की जो वेव लेंथ है वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। डेविसन ने जब में गॉट इट्स वैल्यू 1.65 एंगस्ट्रॉम विच इज इन अकॉर्डेंस विद द डी ब्रोगलीज इक्वेशन, क्लियर। तो इस प्रयोग के द्वारा डेविसन और जर्मन ने जो प्रयोग किया था उसके आधार पर जो वेवलेंथ आती है वो आती है 1.65 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, जो कि डी ब्रोगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही होती है। तो हैंस दिस एक्सपेरिमेंट फुली सपोर्टेड द डी ब्रोगली इक्वेशन। तो इस प्रयोग के द्वारा डी ब्रोगली इक्वेशन को सक्सेसफुली वेरीफाई किया गया, क्योंकि दोनों ब्रेक इक्वेशन, क्योंकि डी ब्रोगली इक्वेशन से जो वेवलेंथ आती है वह वेवलेंथ डेविसन और जर्मन की जो वेवलेंथ प्राप्त की उन्होंने उनकी अकॉर्डिंग ही होती है। ये रेफरेंसेज हैं, धन्यवाद।